नेताओं की सफाई का दौर भी। दरअसल जदयू के प्रदेश कार्यालय में जनता दरबार का आयोजन हुआ और इसमें पहुंचे भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने कई फरियादियों की समस्याओं को सुना। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया। साथ ही इफ्तार पार्टी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के मुलाकात के बाद से जारी कयासों पर भी मंत्री अशोक चौधरी ने विराम लगाया। पार्टी का एक मतलब जिसको बोलते हैं एक त्यौहार का पाठ है, ईद के आने के पहले जो है त्यौहार का पाठ है। अभी हमारे मंत्री जमा खान जी ने भी किया था, उसके बाद हमारे क्या नाम है आरजेडी के लोगों के द्वारा भी किया गया और माननीय मुख्यमंत्री जी को बुलाया गया, माननीय मुख्यमंत्री जी शामिल हुए। हमारी सरकार प्रेम मिल्लत और सलाहियत से चलने वाली सरकार है। हमारे नेता हमेशा कहते हैं, हर पॉलिटिकल भाषण में उनका ये बयान होता है कि प्रेम भाईचारा के साथ ही हम आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए ऐसी कोई भी बात जिसमें कि आपसी सहयोग, आपसी मिल्लत, आपसी प्रेम जो है वो उसमें खटास पैदा हो, वैसी कोई भी बात नहीं होनी चाहिए। और कहाँ तक कॉमन सिविल कोड का सवाल है, हम नहीं समझते हैं कि बिहार में अभी इसकी कोई आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी का सीट खाली है, भारतीय जनता पार्टी मंत्रिमंडल विस्तार के लिए बात कर रहा हूँ मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री के बीच का मामला है, इसके हमें जानकारी नहीं। विस्तार पार्टी का एक मतलब जिसको बोलते हैं एक त्यौहार का पाठ है, ईद के आने के पहले जो है एक त्यौहार का पाठ है। अभी हमारे मंत्री जमा खान जी ने भी किया था, उसके बाद हमारे क्या नाम है राष्ट्रीय जनता दल की ओर से दरभंगा के यतीम खाने में दावत इफ्तार का आयोजन किया गया और इस मौके पर हजारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। साथ ही आरजेडी के प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी, भोला यादव, समस्तीपुर से विधायक अख्तरुल शाहीन के साथ ही महागठबंधन के घटक दल के सीपीआई, सीपीआईएमएल और माले के कार्यकर्ताओं ने भी शिरकत की। सभी सामाजिक राजनीतिक लोगों को बुलाने का काम किया है। रमज़ान का पवित्र महीना, सब लोग बहुत इसका आदर सम्मान करते हैं और यहाँ पर आने का एक साथ मिलकर एक प्रार्थना होता है दरभंगा के, बिहार के, देश के अमन के लिए, शांति के लिए, विकास के, तरक्की के लिए हम लोग यहाँ पर दुआएं करते हैं। इसी आस्था के तहत तमाम लोग एक बुलाहट में आ जाते हैं। आपने देखा होगा पटना में भी किए तो राजनीतिक विरोधाभास होने के बावजूद नीतीश कुमार जी तक चले आए, तमाम दल के लोग चिराग पासवान जी तक चले आए। तो ये एक ऐसा पवित्र अवसर है रमज़ान का मुबारक महीना कि तमाम लोग अपने तमाम तरह के मतभेद को भुला करके इस अवसर पे जमा होते हैं और सब लोग मिलजुल करके कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआएं करते हैं।